हाय बिताते हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग। और मैंने अभी किसी से एक बाइट परांठे की ली थी, मुझे से आलू का परांठा देख के ना मन कर गया। मेरी मठियाँ आई लव लिसन समथिंग। कितनी बकवास कर रहे हो बाहर खड़े होके, मेरी आवाज नहीं जाएगी। चुप हो जाओ, हम नहीं करेंगे चुप। मेरी वीडियो में मेरी आवाज नहीं जाएगी। हम क्या करें फिर, हमने नहीं जाने देनी। एक और आई है। हाय, वी आर शेड कार्ड्स टुडे ब्लू ब्लू। हां सही है। आ गया एक और ये हीरो, क्या शक्तिवान बना हुआ है मतलब। सीरियसली पेंगुइन पेंगुइन ऐसे पेंगुइन करते हैं भाई, ऐसे और भाई इनोके बाय। ओके गाइस, तो मैं ये बोलने जा रही थी कि आई ऑर्डर्ड दिस परफ्यूम रिने का डार्क डिजायर, एंड मैंने ये सैंपल मंगवाया था। सैंपल इसीलिए मंगवाया था कि पहले मैं इसको यूज करके देती हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है और कितना लॉन्ग ये स्टे करेगा। तो सी, मैंने इतना यूज कर लिया है ये, एंड मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास ना इसके लिए वर्ड्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे वे में या बुरे वे में, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। इसकी जो फ्रेग्रेंस है आई टोटली लव इट, सीरियसली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, कितना शोर कर रहे हैं, बट बिल्कुल स्टे नहीं करता। एक्चुअली मैंने देखा था देयर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो इसको यूज कर रहे थे, आई थॉट कि व्हाई नॉट, मुझे एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स टू मच अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल है। बट ये बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है, मतलब आप इसको लगाओगे हार्डली एक घंटा ही ये स्टे करेगा। एक घंटा भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हाफ एन आवर में ये ख़त्म। तो या मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि इसीलिए, बिकॉज सीरियसली ये नहीं स्टे करता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना स्टे करने का। और आज फाइनली जहाँ से मैं आती हूँ रास्ता भी खुल गया है, इतने दिन के बाद घूम के आना पड़ता था ऐसे, भी खुल गया है। तो या एंड मैंने मुझे जूस लेने जाना था सुबह सुबह, बट मैं नहीं जा पाई, मैं लेट हो रही थी ऑफिस के लिए। मुझे लोगों को ना ऐसे क्रेविंग्स होती हैं हर एक चीज़ के लिए, मुझे हेल्दी चीज़ों के लिए क्रेविंग्स होती हैं। लाइक कि ना मुझे आई लव मिक्स फ्रूट जूस, फ्रूट जूस बेसिकली, पाइन एप्पल जूस। और मुझे ऐसा है कि मुझे ना हफ्ते में कुछ दिन जूस चाहिए ही चाहिए। तो मुझे जिस दिन ऐसे किसी दिन बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग होने लग जाती है कि जिस दिन जूस नहीं मिलता, बस लाइक कि मुझे बस मिल जाए जूस, तो या अच्छी आते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी चाय का, चाय आती है हम चाय पियेंगे और फिर मैं भी परी के पास जाके पियेंगे। और यस, बने रहिएगा इस व्लॉग में, एंड फॉर श्योर मैं ये व्लॉग प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी और कंटिन्यू रखूंगी, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है टुकड़े 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 में इकट्ठे करके एक व्लॉग में डाल रही हूँ, आई डोंट नो क्या कर रही हूँ, बट ये व्लॉग मैं प्रॉपर बनाऊंगी, इसलिए बने रहिएगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर अलॉन्ग विद माई बहुत सारी मील्स हैं। दो दो बार ब्रेकफास्ट हो जाता है, एक घर से करके आओ और एक यहाँ पे आके करो। है ना तरी TARI। और ना चले तो व्लॉग आएगा तब देखना और आज क्या है दाल चावल अच्छे लगते हैं, हम लंच करके मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू, काजू कतली खिलाई। You're welcome. I love you.
सक्षु सक्षु मत करो यार, क्यों बेचारे बच्चे को तंग कर रहे हो। हेलो बेटा, क्या आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो। We are going upstairs. परी आजा जल्दी, तीन कप चाय। चाय यार मुझे काजू कतली चाहिए। मैम ये क्या बात हुई, मैम हमारी डील हुई थी। मैम ये क्या बात हुई, तुझे सारे ने उधर फिर भी खा दिया। नहीं नहीं खाती, सारे लड़ो। मैं बात नहीं करूंगी किसी से भी, तुम सब गंदे हो। अच्छे से लड़ो, चलो आज लड़ेंगे। कल तो हमारा पेट भी भरा हुआ था, कट्टी सब्जी मेरे बिना सबको। हाँ उठाओ, मैं बाहर जा रही हूँ भाई। आई हैव वन थियरी, मैंने डरा था। काजू कतली जितनी मर्जी करो, कल भी लिटरली मैंने बहुत खाई है सुबह वाले डब्बे से। मेरी मम्मी तो इतना गैस के अंदर से खा रही थी। मैंने कल भी बहुत सारी खाई है और आज फिर मैं परी मम्मी से पूछने लगी। मम्मी कॉल कर रही है, नहीं उठा रही है। मम्मी को पता लग गया सो रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उनको, सो रहे हो। बाय। वो उसके काजू कतली लेके क्यों भाग रहे, वापस करो। बेचारी वो फोन पे लगी हुई है, उसकी काजू कतली दे दो यार, बेचारी को मत रुलाओ। सर और कितने सालों में ये पुल कंप्लीट होगा? व्यूअर्स अच्छा कितने साल में, 5 सालों में। ये पुल कब कंप्लीट होगा सर, कहते 5 सालों में। पता नहीं जब कंप्लीट हो गया, पहले ही अपन ने कड़े बाइक चलानी है। नहीं तो सिर्फ हवाई जहाज चला ले उत्ते। पागल हो गए तुम्हें, दो पागल इंसान। ऑफिस के बाद हमेशा की तरह मैं और अंजलि चले गए कुम्हारन डोसा खाने और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। मैंने नहीं गिराया, दिवाली वाले दिन छुट्टी होगी मैम, दिवाली से एक दिन पहले आना है, सैटरडे को आएंगे। हम करने जा रहे हैं डेकोरेशन और एक सुंदरी मेरा साथ देगी डेकोरेशन में। दोगे आई हेल्पर, तुम करोगी, तुम फ्री हो? हाँ आ सकते हो सच में अगर करनी है तो। मैं और राजेंद्र मैम जा रहे हैं डेकोरेशन का सामान लेने ऑफिस के लिए, और अभी बस हम निकल रहे हैं और मार्केट में जाके हम लोग आपको मिलेंगे। मैं और राजविंदर मैम जा रहे हैं डेकोरेशन का सामान लेने। मैं भी जाना चाहती हूँ साथ में, मुझे एक्टिवा पे ले जाओ। पीछे बांध ले आपको, पीछे बांध ले आगे बिठा, कार पे बैठ जाऊं आगे बिठा ले। हम निकल पड़े हैं, कितनी धूप है। हम जा रहे हैं, धूप मुझे लग रहा है गर्मी लगेगी मार्केट में। लेट्स सी, शाम के 6 बजे जाते हैं। फाइनली हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, अगर थोड़ी थोड़ी दिख रही है तो मैं कल पूरा टूर दिखाऊंगी। अभी थोड़ी सफाई चल रही है, सर सुनेंगे, उसके बाद कल पूरी डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। हाय एवरीवन, इतनी खुश पता नहीं क्यों। नेक्स्ट डे हो गया और मैं आपको अपनी डेकोरेशन दिखाती हूँ जो कि हमने कल पूरा दिन लगा के मैंने और यास्मीन ने की है। बिल्कुल भी नहीं, फालतू में क्रेडिट मत लो, मैंने और राजविंदर मैम ने की है और परी ने हेल्प की। ये मैंने बनवाया, तो मैं भी आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाती हूँ डेकोरेशन के।
अब आ गए आप बीच में। लेट्स स्टार्ट अगेन। आज मेरा सक्षु कम सक्षु कम सुनो तो सही से हाय हाय हाय।